फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार सीड पिंक। आज मैं एक नई वीडियो लेके आपके पास फिर से हाजिर हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ आप लोगों को। लास्ट कुछ दिनों से पूजा नाम की एक लड़की मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट कर रही थी मेरे चैनल पे, आप लोग देख रहे हैं कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, तो थोड़ी सी चीज़ मैं बताना भूल गई। तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा बता दूँ कि पूजा जी ने कहा कि जो हम जैसे जो ट्विन फिल्म के वीडियो बनाते हैं वो सभी को बेवकूफ़ बनाते हैं और हम पैसों के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। तो मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ, और जो भी अगर आप में से कोई भी अगर ये सोचते हो, अगर आपके माइंड में भी कुछ ऐसे ख्याल है, तो मैं बता दूँ कि मैं बाकियों को नहीं जानती हूँ, बाकी जो ट्विन फिल्म के वीडियो बनाते हैं वो क्या करते हैं, लेकिन मैं फ्री में सभी को हेल्प करती हूँ। जो भी मुझसे गाइडेंस चाहते हैं मैं फ्री में ही करती हूँ। मेरे सब्सक्राइबर से आप लोग बात कर सकते हो, और स्पेशली पूजा आप भी बात कर सकते हो मेरे सब्सक्राइबर से। वो लोग बताएंगे कि मैं फ्री में सभी की हेल्प करती हूँ। और जो लास्ट शिवरात्रि गई उस दिन भी मैंने बहुत लोगों की फ्री में टैरो रीडिंग भी की है, और वो मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया था। मैंने बताया भी था कि मैं शिवरात्रि के दिन सभी की फ्री में टैरो रीडिंग करने वाली हूँ। तो बहुत लोगों की मैंने टेलीग्राम लिंक पे उनकी फ्री में मैंने टैरो रीडिंग की है। तो मैं पैसों के लिए इतनी ज़्यादा नीचे नहीं गिर सकती कि लोगों का फ़ायदा उठाऊँ। तो मैं सभी की हेल्प करना चाहती हूँ, यही मेरी लाइफ पर्पस है। और यूनिवर्स ने जो मुझे पद दिखा है वही पद पर मैं चल रही हूँ। यूनिवर्स कुछ कहे और उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। यूनिवर्स जो मुझे रास्ता दिखा रहे उसी पे मैं चल रही हूँ। ये बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती थी कि मैं पैसा नहीं लेती हूँ। अभी मैं पर्सनल रीडिंग पे पेमेंट लेना शुरू कर की हूँ। लेकिन पहले मैं सभी की फ्री में रीडिंग करती थी, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हो गाइस। मेरी भी एक दिन था कि मैं टैरो रीडिंग करूँ। टैरो रीडिंग के कार्ड खरीदने की मेरे पास पैसे नहीं थे। आप सोच सकते हो। तो एक दिन मैं भी ऐसी थी, तो मैं समझती हूँ सबकी कंडीशन, तो इसी वजह से मैं सबकी हेल्प करना चाहती हूँ। मुझे जो हेल्प नहीं मिला, मैं चाहती हूँ कि वो हेल्प मैं सबकी करूँ। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में मुझे जो स्ट्रगल करनी पड़ी है मेरी इस जर्नी में, तो मैं नहीं चाहती कि सभी की जर्नी ऐसी स्ट्रगल हो। वैसे भी ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग होती ही है। इस जर्नी में बहुत टफ जर्नी है ये, आप लोग जानते हो। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और ये बहुत टफ जर्नी होती है। तो मैं नहीं चाहती कि लोग भटक जाए, और ये बहुत लोग ये के सहन नहीं कर पाते, पेशेंस नहीं रख पाते। सभी के पास पेशेंस नहीं होती है, तो इसी वजह से मैंने ये चैनल खोला। मेरा यही मोटिव है कि आप लोगों को थोड़ा सा हो सके तो थोड़ा सा हेल्प कर सको, थोड़ा सा आपको राइट पथ दिखा सको, थोड़ा सा गाइडेंस दे सको, ताकि आप पॉजिटिव रहो, आप पेशेंस रख सको। आप विश्वास रख सको इस जर्नी पर। मुझे ये जर्नी के बारे में बताने के लिए कोई नहीं था। मुझे सब कुछ खुद बा खुद डाउनलोड हुआ, मेरे गॉड ही मेरे पास थे। मैं सब कुछ गॉड को ही बताती थी, और वही मेरे सब कुछ हेल्प कर रहे हैं। अभी भी वो ही हेल्प कर रहे हैं। मैंने कभी किसी से हेल्प नहीं मांगा है, और मांगा भी हो है तो मुझे नहीं मिला हेल्प। इसी वजह से मैं नहीं चाहती कि आप लोग मुझसे हेल्प मांगो और मैं पीछे हट जाऊँ। मैं सभी की हेल्प करती हूँ। मैं अभी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ अपने लाइफ में। मुझे कभी कभी खाने की भी टाइम नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोग मुझे मैसेज करते हो, थोड़ा सा देर हो जाती है। एकदम साथ ही साथ में मैं रिप्लाई नहीं कर, रिसेंटली आपको रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद या फिर एक दिन बाद भी आप लोगों का मैसेज का मैं रिप्लाई देती हूँ। क्योंकि मैंने जो स्ट्रगल किया है, मैं नहीं चाहती कि आप वो स्ट्रगल करो। तो आप लोग मुझसे हेल्प चाहते हो तो मैं भी आपको आपकी हेल्प करती हूँ। मैं हमेशा इस चैनल पे मैं हमेशा हर वीडियो में आपको बताती हूँ, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी समझने में दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझसे प्लीज़ शेयर कीजिए। मैं आपकी हेल्प करने के लिए बैठी हूँ। यूनिवर्स के मैसेंजर हूँ मैं, तो मैं मुझे हेल्प करना मेरी ड्यूटी है। मुझे खुशी मिलती है आप लोगों को हेल्प करना। और बहुत लोग ऐसे हैं दुनिया में, आप लोग जानते हो गाइस, आपकी लाइफ में भी ऐसी होगी, मेरे लाइफ में भी बचपन से ऐसे लोग बहुत हैं, अभी भी है, जो
आप अगर फ्री में हेल्प करना चाहो तो वो बहुत ज़्यादा आपके फ़ायदे उठाते हैं, कि चांस लेते हैं कि अरे चलो वो फ्री में मतलब हेल्प कर रही है तो चलो उसको मतलब एकदम बहुत सारे हेल्प ले लेते हैं फ्री में। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग मेरे लाइफ में हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स में भी है। आई एम सॉरी टू से गाइस, ठीक है, मैं सभी को नहीं बता रही हूँ, जो भी ऐसा करते हैं मैं उन्हीं को बता रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखो। ओके, देखिए मैं जो टैरो रीडिंग करती हूँ, ओके, तो और जो मैं टैरो रीडिंग करती हूँ गाइस, तो वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कम फीस लेती हूँ। इतना कम फीस मुझे पता नहीं कि आजकल के कोई टैरो रीडर ऐसे कम फीस में टैरो रीडिंग करते हैं, लेकिन मैं करती हूँ। ओके, मैं चाहती हूँ कि सभी के मतलब आपकी भी वो बैलेंस रहे, मेरी भी बैलेंस रहे। ठीक है, मेरी भी मतलब परेशानी ना हो, आपको भी परेशानी ना हो, सभी की परेशानी को देख कर मैं ये टैरो रीडिंग की फ़ीस को ओके बैलेंस में रखी। ओके, ताकि आपको भी तकलीफ़ ना हो, आप भी अफोर्ड कर सको, मुझे भी परेशानी ना हो। ठीक है, मुझे भी मेरा मतलब जो एनर्जी मैं आप लोगों को देती हूँ, यूनिवर्स जो मुझे गाइड करते हैं, वो मतलब बैलेंस हो जाए। ओके, तो यही मैं कहना चाहती थी कि जब लोग कहते हैं कि पैसों के लिए, ये बहुत ज़्यादा मतलब पैसा जब आ जाता है ना मुँह में तो बहुत बुरा लगता है। ओके, तो पूजा पूजा एक लड़की ने कहा कि पैसों के लिए ये लोग सब कुछ कर सकते हैं, ये बात बहुत ही बुरा लगा गाइस। ओके, तो मैं क्या कहूँ और ओके, तो मुझे और कुछ नहीं कहना है, बस मैं यही कहना चाहती थी आप लोगों को कि मैं पैसे की भूखी नहीं हूँ। ओके, स्पेशली पूजा उस लड़की को मैं कहना चाहती हूँ कि मैं पैसों की भूखी नहीं हूँ, और पैसा अगर चाहिए होता तो मैं आप लोगों की परेशानी का जो हल देती हूँ, जो आप लोग मुझे सवाल पूछते हो, मैं जो आंसर करती हूँ, उनकी भी मैं पैसे लेती। ओके, आप लोग मुझे सब्सक्राइबर से बात कर सकते हो, मैं कितनी ज़्यादा उनकी हेल्प करती हूँ, सेवा करती हूँ। ओके, यूनिवर्स जो मुझे कहते हैं, यूनिवर्स ने ही मेरे सब्सक्राइबर से मुझे मिलाया है, यूनिवर्स ने ही मुझे ड्यूटी दी है। ओके, तो मैं मेरी ड्यूटी पूरी कर रही हूँ बस। ओके, तो आप लोग मुझसे टैरो रीडिंग लो या ना लो, ये आपके हाथ में है। और मैं स्पेशल जो ओकेशन होती है, महाशिवरात्रि हो गया, नवरात्रि हो गया, तो इन सारे ओकेशन पे मैं फ्री में टैरो रीडिंग देती हूँ। ओके, और बाकियों के दिन में मैं पैसे लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी तो चलना है ना गाइस, है ना, मेरी भी तो घर चलनी है, बताइए आप लोग मुझे। ओके, मैं भी, मुझे तो सेल्फ डिपेंडेंट बनना है ना, मेरी भी ये ड्यूटी है, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, यही मेरी लाइफ पर्पस है। तो यूनिवर्स ने तो मुझे ये नहीं कहा कि तुम बिना पैसे की सब सबकी हेल्प करते जाओ, तो यूनिवर्स ने कुछ सोच समझ के ऐसा किया होगा ना, कि ताकि मेरी भी हेल्प हो सके। ओके, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आकर मुझे ये पता चला कि सोल पर्पस क्या होती है, लाइफ पर्पस क्या होता है, और लाइफ पर्पस को, इस सोल पर्पस को पूरे करने में कितनी ज़्यादा खुशी मिलती है ना। तो आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप लोगों को पता होगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हो, और लास्ट की जो फीडबैक वीडियो में आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, ऐसे ही सपोर्ट बनाइए रखिएगा मेरे साथ, आप लोगों की सपोर्ट बनाए रखेंगे तो मैं हैप्पी होंगी और मैं लाइफ में ग्रोथ कर सकूँगी, है ना। तो मैं फिर से कहती हूँ कि आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है, आप लोग अगर इस ट्विन फ्लेम जर्नी में स्टक हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग मुझे बिना हिचक के एज ए फ्रेंड, एज ए सिस्टर, आप लोग मुझे प्लीज़ मतलब गाइडेंस ले सकते हो, आप लोग मुझे सवाल पूछ सकते हो, हेल्प ले सकते हो। ठीक है, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। ओके, और जो लोग ये सारी बातें करते हैं, ठीक है, कि ट्विन फ्लेम जर्नी बकवास है, ये सारी वीडियोज़ बकवास है, पैसे के लिए करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, तो उन लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता है, तो इसी वजह से वो लोग ऐसे कहते हैं। अगर उनके साथ भी ऐसे एक्सपीरियंस हुए होते तो ये वो लोग ऐसे बातें नहीं करते, है ना। तो मैं विश करूँगी कि उनके साथ भी ये एक्सपीरियंस हो, ठीक है, उनको भी पता चले कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, इसमें क्या हैप्पीनेस है। ओके, ये उनको पता चले। ओके, थैंक यू सो मच पूजा जी, आपके वो सारी कमेंट्स के लिए मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जानने को मिला, थैंक यू वेरी मच। एंड थैंक यू सो मच मेरे ऑल सब्सक्राइबर्स, मेरे सोल ब्रदर एंड सिस्टर्स, आपके लिए हमेशा मेरी हेल्प, मेरी दिल हाजिर है। ओके, आई लव यू ऑल। ओके, तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बात कि आप लोग अगर पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हो तो आप लोग मुझे कॉल, टेलीग्राम या फिर ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। कुंडलिनी के बारे में कुछ शेयर करना चाहती हूँ।
आप लोग कहोगे कि कुंडलिनी के बारे में और कितना वीडियो देखो, कितना सुनो, है ना। क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले भी दो वीडियो आई थिंक मैंने बनाए हैं कुंडलिनी के बारे में, और लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी मतलब डिस्कस करनी है, इतनी सारी एक्सप्लेनेशन है कुंडलिनी के बारे में, तो वीडियो तो लंबी होगी, है ना। तो वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करती हूँ क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे, है ना। तो मैं किसी को बोर नहीं करना चाहती हूँ, इसी वजह से मैंने वो सारे जो मैंने जो पहले दो वीडियो दी थी तो कंप्लीट नहीं की थी। और उस वीडियो में भी मैंने लास्ट में बताया था कि मैं बाद में और एक वीडियो में आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो वो बाकी दो वीडियो जो थे पहले वाले, वो वीडियो आप लोग देख लेना पहले, और फिर आज के वीडियो को देखना, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप लोगों को वो वीडियोज़ की लिंक, आप लोग देख लेना। तो वो दो वीडियो में मैंने बताया कि कुंडलिनी होती क्या है, कुंडलिनी कैसे एक्टिवेशन करनी है, कुंडलिनी एक्टिवेशन से पहले हमें क्या करना है, ठीक है। ईरा पिंगलन सुषुम्ना नाड़ी को हमें एक्टिवेशन करना है पहले, तो उसका मंत्रास क्या होता है, उनका कैसे एक्टिवेशन होता है, क्या नियम होता है, ठीक है। वो सारी मैंने एक्सप्लेनेशन किया है, तो आप लोग वो वीडियो जाके देख लेना। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंडलिनी जो होती है हमारी, ठीक है, कुंडलिनी शक्ति को एक्टिव करने के लिए हमें क्या करना है, ओके। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि मतलब इसका बेनिफिट्स क्या होती है, ठीक है। कुंडलिनी एक्टिवेशन करने के बाद हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कुंडलिनी एक्टिवेशन करनी कैसी है, ठीक है। इस शक्ति को हम कैसे जागृत करें, ये हमारे स्पाइन एरिया में होते हैं, आप सभी जानते हो, रूट चक्र जहाँ होते हैं हमारे स्पाइन एरिया पे, वहाँ पर ये कुंडलिनी शक्ति हमारे होती है। हम सभी जो ह्यूमंस होते हैं, हम सभी के इस रूट चक्रा पे होते हैं, ठीक है। सिर्फ ओके, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। अगर जानना है कुंडलिनी कैसे एक्टिवेशन करनी है, क्या करना है क्या नहीं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर कर देखना। और कोई भी आप लोगों को कन्फ्यूशन हो, समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो, प्रॉब्लम्स हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। बता सकते हो आपके कौन मतलब क्या प्रॉब्लम है, क्या आप नहीं समझे हो मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो पहले मैं बताती हूँ कि कुंडलिनी एक्टिवेशन कैसे करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट आपको डांसिंग करनी है, ठीक है, डांसिंग प्रैक्टिस करनी है, डांस करनी है आपको। अगर आप ऑलरेडी डांस करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों की कुंडलिनी एक्टिवेशन ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। लेकिन आप अगर डांस नहीं करते हो तो डांस प्रैक्टिस करो। आप कहोगे कि अभी एज नहीं है, क्या है एज, किसी की परफेक्ट एज क्या होती है, आपकी माइंड में जब भी ये मतलब सोच आए कि मैं गाना सीखना चाहती हूँ, या चाहता हूँ मैं डांस करना चाहता हूँ, या फिर कुछ और करना चाहती हूँ, जब भी माइंड में आपकी ये सवाल आए, ये मतलब सोच आए, तो वही परफेक्ट टाइम होती है आप लोगों के लिए, ठीक है। कोई परफेक्ट टाइम नहीं होती है कि मैंने पहले सीखना था, अभी तो कोई टाइम नहीं है, टाइम चला गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आपके माइंड में आए कि मैं डांस करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो आप लोग तभी से स्टार्ट कर देना, तभी आपका परफेक्ट टाइमिंग है, ठीक है। तो अगर आप अपनी कुंडलिनी एक्टिवेशन करना चाहते हो और आप लोग ट्विन जर्नी में हैं हो, ठीक है, आप ट्विन फ्लेम हो एक, ठीक है, स्टार सीड हो, तो आपको तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लोग कुंडलिनी एक्टिवेशन करो। तो आपको क्या करना है, पहले आपको डांस सीखना है, डांस प्रैक्टिस करनी है, मतलब शेक योर बॉडी, ओके। एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना, मॉर्निंग वॉक जो कहते हैं, ठीक है, वॉक करना, रन करना, ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ओके। आपको मंत्रा प्रैक्टिस करनी है, जो मैं आपको मंत्रा आपको मैंने बताऊंगी, ठीक है, वो आपको चेंज करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एनर्जी वॉक, मतलब कि मैंने जो कहा एक्सरसाइज करनी है, योगा योगा करना है, ठीक है, एरोबिक्स जो कहते हैं वो आपको करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, डांस करनी है, ठीक है, मतलब बॉडी को हर टाइम आपको वर्किंग में रखना है, ठीक है। आपको लेजीनेस से बचना है, आप लोग बैठे नहीं रहना है, हर टाइम आपको कोई कुछ ना कुछ काम करते रहना है, आपको बॉडी को हिलाना है, शेक योर बॉडी, ठीक है, शेक करनी है बॉडी को, जो मैंने आपको कहा एनर्जी वर्कअप करनी है, ठीक है, शेक योर बॉडी, अपने बॉडी को शेक करना है, ठीक है। एक्सरसाइज ब्रेथ कंट्रोल एंड प्रैक्टिस प्राणायाम, ठीक है, आपको
मतलब ब्रेथ कंट्रोल एक्सरसाइज प्राणायाम, ठीक है, ये सारी चीज़ें, कुंभक प्राणायाम हो, कपालभाति, ठीक है, अनुलोम विलोम, ये सारी चीज़ें आपको करनी है रेगुलरली, ठीक है। ये आपको एक दिन किया, दो दिन किया, फिर स्टॉप हो गया, फिर से स्टार्ट किया, ऐसा नहीं है। आपको रेगुलरली डेली मॉर्निंग को आपको एक टाइम बना लेना है, आपको एक रूटीन बना लेनी है, और तभी आपको क्या करना है, आपको ये प्राणायाम, एक्सरसाइज, डांसिंग, ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। एक दिन डांस किया नहीं होगा, रोज़, ओके, रोज़ आपको रूटीन बनानी है कि हाँ मुझे इस टाइम पर डांस करनी है, तो आपको करना है। नेक्स्ट, रोज़ मेडिटेशन करनी है, ओके, आपको रोज़ मेडिटेशन करनी है, एक दिन भी मिस नहीं करनी है, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है, आप जो भी करना चाहते हो लाइफ में, कुंडलिनी एक्टिवेशन कहो, चक्रा हीलिंग कहो, इनर पीस चाहते हो लाइफ में, ग्रोथ चाहते हो, सोल ग्रोथ चाहते हो, कोई भी चीज़, उस पर सबसे पहली आती है मेडिटेशन। आप किसी के पास चले जाओ, वो पहले आपको ये एडवाइस देगा कि आप मेडिटेशन करो, फिर मेरे पास आना, ठीक है। तो मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है, हर मतलब क्या कहते हैं, हर मतलब दर्द का दवा होते हैं मेडिटेशन। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, आप मेडिटेशन करो, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। मेडिटेशन में क्या होता है, आप गौर से बातें करते हो, खुद को पहचानते हो, है ना, तो इसी वजह से मेडिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कुंडलिनी एक्टिवेशन करने के लिए भी हमें मेडिटेशन करनी है, क्योंकि हमें मेडिटेट करनी है खुद के ऊपर, ठीक है, ध्यान लगाना है, ओके। नेक्स्ट करनी है आपको ग्रेटिट्यूड, ठीक है, ग्रेटिट्यूड शो करना है आपको, आपको हर टाइम ये कहना है आपको, कोई पॉजिटिव एफर्मेशन आपको लिख लेनी है एक पेपर पे, आप लोग लिख लोगे, ठीक है, आई हैव एन इनर पीस, ठीक है, आई हैव एन एबंडेंस इन माय लाइफ, आई एम मतलब मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ मुझे जो भी मिला लाइफ में, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कहनी है, ये आपको रोज़ कहनी है यूनिवर्स को, गॉड को ग्रेटिट्यूड शो करना है, ओके, और ख़ुद को भी अप्रिशिएट करना है, ठीक है। और आपके साथ जो भी रहते हैं, ठीक है, मॉम, डैड, हस्बैंड या फिर वाइफ, बच्चे, जो भी हो, आपसे छोटे हो या फिर आपसे बड़े, सभी को थैंक्स, सॉरी, कुछ भी अगर गलती हो जाए, अगर उन्होंने कुछ आपको हेल्प किया है, तो उन सारे चीज़ों के लिए आप थैंक यू कहना है, सॉरी कहना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको स्टार्ट करनी है, एंड आपकी हर्ट को ओपन करनी है, ओपन योर हर्ट, ठीक है, हर्ट को ओपन करनी है, मतलब कि खुले दिल के होने हैं आपको, ठीक है, आपके माइंड में कुछ प्रॉब्लम्स है ऐसा नहीं है, ओके। और लास्ट आपको क्या करनी है, आपको रूट चक्रा पे ज़्यादा ध्यान देनी है, ठीक है। वैसे तो 7 चक्रास के ही आपको हीलिंग करवानी है, मेडिटेशन करनी है, ठीक है, एक्टिवेशन करवानी है, लेकिन स्पेशली आप लोग रूट चक्रा पे ज़्यादा काम करना, ठीक है, ओके। तो आपको रूट चक्रा की मेडिटेशन करनी है 1 मंथ रेगुलरली, ठीक है, एक ही चक्रा पे आप काम करो, ठीक है, सारे चक्रा पे एक साथ काम मत करना, रूट चक्रा पे पहले आपको काम करना है, ठीक है, अगर आप कुंडलिनी एक्टिवेशन करना चाहते हो। अगर कोई आपकी और प्रॉब्लम्स है तो बाकी आप मतलब चक्रास पे देख लो कि कौन सा चक्रा कौन से प्रॉब्लम में आते हैं, ठीक है, थीके? तो लेकिन मैं जो कह रही हूँ आज की वीडियो में कि आप लोगों को कुंडलिनी एक्टिवेशन करवानी है तो आपको रूट चक्रा पे ज़्यादा ध्यान लगाना है, ठीक है, उस एरिया पे आपको, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, ठीक है, ये जो मैंने 7 पॉइंट्स बताया है, ठीक है, 7 पॉइंट्स, तो ये 7 पॉइंट्स आपको करनी है कुंडलिनी एक्टिवेशन करने के लिए, ठीक है, तो ये पहले आपको करनी है, ओके। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि कुंडलिनी एक्टिवेशन के बाद हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है, क्यों मतलब क्या होता है कुंडलिनी एक्टिवेशन के बाद, ठीक है, क्या हमें लाभ मिलता है, ठीक है, क्या होता है, क्या फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो पहली फ़ायदा तो आपको ये मिलेगा कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने लग जाओगे, आपके अंदर से एक हैप्पीनेस आएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब आप हैप्पी रहना मतलब रह सकोगे, और आपके अंदर से एक फीलिंग्स आएगी, एक भावना, ठीक है, आप भावनात्मक जो कहते हैं ना, वो चीज़ आप में आ जाएगी, आप बहुत ज़्यादा भावुक हो जाओगे, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आपके अंदर आ जाएगी, वो लव हो, इमोशनल हो, कुछ भी हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स होगी, ठीक है। और हैप्पीनेस तो मैं क्या कहूँ, इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस आपके अंदर आएगी, आपके चारों तरफ, आपके माइंड में जो भी प्रॉब्लम्स हो, दुख हो, तकलीफ हो, आपके चारों ओर जो भी नेगेटिविटी हो, लेकिन आप उसमें भी आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे आप, ठीक है। सेकेंड, आपकी जो ओके साइकोलॉजी जो होती है, ठीक है, साइकिक आपकी एबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, तो आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा साइकिक एबिलिटीज आ जाएगी, ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाओगे,
और मतलब टैरो कार्ड्स देखना, लोगों की भविष्य बताना, ठीक है, एक मतलब बहुत से साइकिक एबिलिटीज़, ठीक है, आप लोग जानते हो साइकिक एबिलिटीज़ क्या होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, आपकी माइंड में बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल होना, ठीक है, लोगों के प्रति आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, उनकी दुख तकलीफ़ को समझना, ये सारी चीज़ें आप में आ जाएगी। आप बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प करोगे, बहुत गहराई से आप लोग चीज़ों को सोचोगे, समझोगे, ठीक है, और आपकी क्रिएटिविटी फील्ड में आप बहुत ज़्यादा आगे चले जाओगे, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट है, आपको ये बेनिफिट्स मिलेगी कि आप अगर ऑलरेडी क्रिएटिव हो तो आप और भी ज़्यादा क्रिएटिव हो जाओगे, ठीक है, वो सारी चीज़ क्रिएटिविटी फील्ड में आप बहुत ज़्यादा आगे जाओगे, आप मतलब आपकी एक करियर स्टार्ट हो जाएगी उसके क्रिएटिविटी फील्ड में, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बन जाते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट, स्पिरिचुअल कनेक्शन, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाते हो, ठीक है, गॉड से, यूनिवर्स से, एंजल से, ठीक है, आप बहुत, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा साइकिक हो जाते हो, ठीक है, तभी साइकिक एबिलिटी आप में आ जाती है, तो आपको आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली भी कनेक्ट हो जाते हो गॉड से, ठीक है, आपको यूनिवर्स से बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे, चैनल मैसेजेस आपको हो, ठीक है, गॉड आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, किसी और की बातें आपको वो मतलब कहेंगे और आप उन सभी लोगों को पहुंचाओगे उन सारी बातों को, ठीक है, आपके थ्रू गॉड उन सारे लोगों को वो मैसेजेस पहुंचाएंगे, आप इस तरह से बन जाओगे, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको कि क्या चेंजेस आते हैं कुंडली एक्टिवेशन के बाद, ठीक है, कुंडली एक्टिवेशन जब हो जाते हैं हमारे, तो हम के हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो पहले चेंजेस ये आते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, हाँ, इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव बन जाते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब आप लोग अवेयर हो जाते हो किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है, किसी भी एक इंसान को देख लिया तो उसकी पूरी मतलब कुंडली आपके हाथ में आ जाएगी, ठीक है, जन्म कुंडली कहो, मतलब उनकी लाइफ में जो होता है, ठीक है, लाइफ स्टोरी आपके हाथ में आ जाएगी, उनकी आँखों की तरफ, उनके फोरहेड की तरफ देख के आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसके माइंड में क्या चल रहा है, ये क्या करना चाहते हैं, इसका इंटेंशन क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको झट से पता चल जाएगा, ठीक है, और मतलब बहुत ज़्यादा आप अवेयर हो जाते हो किसी भी चीज़ को लेकर, किसी ने आपको कुछ कह दिया तो वो सारी चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, ठीक है, अवेयर हो जाते हो, ठीक है। सेकंड, आप लोग बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हो चीज़ों को, बहुत ज़्यादा गहरी सोच में आप चले जाते हो, हर दिन रात आप लोग सोचते रहोगे कि हाँ ये करने से क्या होगा, अगर ये होता तो क्या होता, मैं ये करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा डूब जाओगे, आप बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डीपली आप सोचना चाहते हो, ठीक है, अपने लाइफ को लेकर, अपने कर्मा को लेकर, अपने नियति को लेकर, ठीक है, आपकी लाइफ की लाइफ पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो। नेक्स्ट, आपको आप में ये ग्रीडीनेस आ जाता है कि कैसे अपने लाइफ को चेंज किया जाए, ठीक है, कैसे अपने लाइफ को बेहतर बनाने जाए, ठीक है, बनाया जाए, ये चीज़ में आपकी बहुत ज़्यादा ग्रीडीनेस आ जाती है, एक ठीक है ग्रीडीनेस आ जाता है। नेक्स्ट, आप में फिज़िकली भी कुछ चेंजिंग आती है, ठीक है, जैसे आपको मतलब ज़्यादा नींद नहीं आना, ठीक है, और आप सोए भी तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस फील करना, ठीक है, स्लीप डिस्टर्बेंस जिसे कहते हैं, ओके, तो जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि नींद कम आएगी, और आएगी भी तो आप लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस फील करोगे, ठीक है, क्योंकि कुंडलिनी एक्टिवेशन जब हो जाती है तब ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा मतलब एस्ट्रल ट्रैवल करने लग जाओगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा एस्ट्रल ट्रैवलिंग आपकी होती है, और ये आपके सिर्फ डीएम के साथ नहीं, ये बहुत स्पिरिचुअल जो सोल होते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल सोल के साथ भी होते हैं, गॉड के साथ भी होते हैं, एंजल्स हमें कहीं और ले जाते हैं, ठीक है, कुछ सिखाने के लिए, कुछ दिखाने के लिए, कुछ अलर्ट करने के लिए, कुछ मैसेज देने के लिए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप फील करोगे, इमोशनली भी आपके अंदर बहुत सारी ऐसे चेंजेस आएगी, आपको एंजाइटी भी तब होने लगेगी, ठीक है, आप एंजाइटी में भी हो जाओगे थोड़ा, मतलब रोज़ हर टाइम ऐसे मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आपको ज़्यादातर एंजाइटी आपको आएगी, ठीक है, आप एंजाइटी में रहने लगोगे,
ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे तब, ठीक है, आप में नए नए एनर्जीज मतलब आती रहेगी, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से आप अट्रैक्ट करते जाओगे रोज़। आप जितनी ज़्यादा इस मतलब ऊर्जा को जागृत करोगे, ये ऊर्जा आपके अंदर जितनी ज़्यादा मतलब एक्टिव होती रहेगी, ठीक है, अवेकनिंग होती रहेगी, उतनी ज़्यादा आपके अंदर एक एनर्जी की फ़्लो होगी, ठीक है। आपको लगेगा कि एनर्जी फ़्लो हो रही है मेरे अंदर, ठीक है, मेरे बॉडी के अंदर। आपकी बॉडी भी शेकिंग करेगी, मतलब काँप उठेगी अचानक से, ठीक है, ठंडी ठंडा हो या फिर गर्म हो, लेकिन आपकी ओके बहुत ज़्यादा मतलब मैं कहने जा रही हूँ कि मतलब विंटर सीज़न हो या फिर समर, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी शेकिंग होगी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा आप एनर्जेटिक फील करोगे, बहुत एनर्जी आप में आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी। तो आज मैंने आप लोगों को बताया कि कुंडलिनी एक्टिवेशन कैसे करनी है, करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है, बॉडी शेकिंग करनी है, ठीक है, ये सबसे मेन पॉइंट आप लोग याद रखना कि बॉडी शेकिंग करनी है, ठीक है, लेजीनेस को हटाना है, ओके। और बेनिफिट्स क्या है कुंडलिनी एक्टिवेशन की, और क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारे लाइफ में, हमारे बॉडी में, इमोशनली, ठीक है, फिज़िकली क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये मैंने आपको बताया। आज के वीडियो में इतना ही रखूँगी, ठीक है। आप लोग इतने आज जो मैंने बताया वो सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करो। अगर आज की बातों में आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स हो समझने की, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ज़रूर पूछना, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और कुछ भी तकलीफ़ हो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। इस वीडियो को लेकर मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया कुंडलिनी के बारे में, तो कुछ भी प्रॉब्लम्स हो आपको समझने में दिक्कत हो आप मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, शेयर करना। और एक बात, मैं अगली वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। आप बता रहे हो, आप बोलोगे कि हर एक क्या कर रहा है, एक ही चीज़ पर बार बार वीडियो बनाते जा रहा है। अरे एक ही वीडियो में बोल डालूँ ना, एक ही वीडियो में अगर मैं बताऊंगी गाइस तो एक या दो घंटे हो जाएंगे, और आप लोग एक या दो घंटे के 30 मिनट्स की वीडियो भी नहीं देखना चाहते हो। आजकल लाइफ में लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं ना, फ्री भी होते हैं फिर भी बोर लगता है, अरे कितने टाइम मोबाइल हाथ में रखो, ये वीडियो देखो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो इसी वजह से मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, मैंने ज़्यादा लंबा नहीं बनाती हूँ, ठीक है। आज जो बना रही हूँ 17 to 18 मिनट्स, ठीक है, ये तो हर इंसान के टाइम होते हैं, ठीक है। आपको लंच टाइम भी ऐसे मिल जाते हैं, तो आप लोग लंच टाइम पर भी देख सकते हो, रात को सोने से पहले भी 17 या 18 मिनट आप लोग ये वीडियो देख सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। और अगर मैं एक ही वीडियो में सब कुछ बोल डालूंगी तो क्या होगा, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, सब कुछ मतलब सिर के ऊपर से चला जाएगा, तो ऐसा क्या अच्छा होगा बताइए। तो इसी वजह से मैं थोड़े थोड़े करके बार बार वीडियो बनाती हूँ, लेकिन अगला वीडियो जो होगा कुंडलिनी के बारे में वही लास्ट वीडियो होगा मेरा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट और शेयर करना मत भूलना, ठीक है, सब्सक्राइब करना, एंड गुड लक एंड बाय बाय।